द्रोणाचार्य होटने के बाद द्रोणाचार्य कहते हैं अब अर्जुन को कैसे समझाऊं कि मैं क्या करना है। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन हो और यहाँ सब मेरे शिष्य हो, ये लोग मैं गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा देते हैं और मैं उनके राज्य में पलता हूँ, मेरे बच्चे बीवी इन सभी को वही पालते हैं, उन्होंने गुरु दक्षिणा दी है, मैं उनसे प्रसन्न हूँ। लेकिन हे एकलव्य, तूने इतनी धनुर्विद्या सीखी है, क्या तू गुरु दक्षिणा देगा? उसने कहा जान हाजिर है, आप कहो तो सर काट के दे दूंगा, मैं मेरे गुरु के प्रति इतना नहीं दे सका तो मैं कौन सा शिष्य कहलाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा प्रभु ऐसा नहीं करना कि उसका उसके उसके प्राण मांग लेना, उसके प्राण मांग लेकर मेरा अपमान नहीं करना, वो इतना निष्ठावान आपका शिष्य है तो आप उसे गुरु दक्षिणा में और कुछ मांगो लेकिन उसके प्राण नहीं मांगना। अर्जुन भी भावुक हो गया और द्रोणाचार्य भी भावुक हो गए, उन दोनों ने देखा तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु उनसे क्या गुरु दक्षिणा चाहते हो? उन्होंने कहा कि एकलव्य, तुम जिस बाण से इस धनुर्विद्या को सीखे हो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और भी नाम हो, इसलिए धनुर्विद्या में अंगूठा जितना श्रेष्ठ रहता है उससे बढ़कर कुछ नहीं है और मैं तुम्हारा अंगूठा मांगता हूँ, तुम्हारा अंगूठा काट करके दे दूँ। एकलव्य की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु आप प्राण मांगते तो दे देते लेकिन मेरी धनुर्विद्या का उस बीज को मांगे हैं आप जिसको, लेकिन मैं आज जब गुरु ने दक्षिणा मांगी और गुरु दक्षिणा नहीं देता है तो इस संसार में शिष्य शिष्य ही नहीं, अगर शिष्य की परीक्षा लेने में अगर आप प्राण भी मांगते तो ठीक था लेकिन आपने यह मांगा है मैं आपके चरणों में देता हूँ। और उसी समय उसने अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अर्जुन की आंखों में भी आंसू आए, सब पांडवों की आंखों में आंसू आए, स्वयं द्रोणाचार्य भी बहुत दुखी हुए कि मैंने क्या किया, केवल अर्जुन की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए, अर्जुन को ये बताने के लिए कि तेरे से अब अंगूठा अगर निकल गया तो बाण उतनी धनुर्विद्या नहीं दिखा सकेगा और अर्जुन से बढ़कर नहीं हो सकेगा, ये कारण था उन्होंने अंगूठा मांग लिया। और अंगूठा देकर देने के बाद एकलव्य उनके चरणों में गिर गया, प्रभु इतनी बात कह दो कि मैं तुम्हारे से तुम मेरे से प्रसन्न हो। द्रोणाचार्य के आंखों में भी आंसू आए और उन्होंने कहा एकलव्य अर्जुन को मैंने शिष्य कहा लेकिन तुझे परम शिष्य कहता हूँ, क्या वैसा शिष्य इतिहास में द्रोणाचार्य का नाम जब जब भी लिया जाएगा तब तब एकलव्य का नाम लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। एकलव्य वहाँ द्रोणाचार्य को नमस्कार करते हुए आगे आए और द्रोणाचार्य को नमस्कार करते हुए आगे बढ़े तो वहाँ धर्मराज द्रोणाचार्य से पूछ रहे थे कि प्रभु वो इतनी भावना के साथ तुम्हारी पूजा करता है, इतनी श्रेष्ठता के साथ तुम्हारी पूजा करता है, एक बात बता दो कि क्या उसके जीवन में ये दुख भरा क्षण क्यों आया, उसके अंगूठा तुमने क्यों पूछा? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु परशुराम और परशुराम के गुरु दत्तात्रेय कहते हैं कि गुरु का शरीरस्थ होकर उनको तृप्त करना बहुत कठिन है, उनके पादुकाओं का पूजन जो शिष्य करता है उसको कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती और उन्होंने गुरु के शरीर की पूजा की है पादुकाओं की पूजा नहीं की, अगर वो पादुकाओं की पूजा करता आज उसके दिन में क्षण नहीं आता, इसलिए मैंने कहा है कि उसकी पादुका वो उस पादुकाओं का पूजन होना, ये मेरे भगवान दत्तात्रेय मेरे परशुराम के गुरु दत्तात्रेय और दत्तात्रेय के बाद में परशुराम के बाद में द्रोणाचार्य आते हैं तो मेरे गुरु ने कहा है। और तब उन्होंने कहा कि इस पादुका सिद्धि के दिवस पादुकाओं को लेना, ये बात उन्होंने कही तो अर्जुन कहता है कि उसकी उस श्रेष्ठता को देखकर आप उसको आशीर्वाद प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद तो दिए हो लेकिन एक बात करना उसको आपके पादुकाएं दे के आना। उन्होंने द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन अगर मैं आज उसको पादुकाएं देता हूं तो धनुर्विद्या में इस संसार में उससे बड़ा श्रेष्ठ क्यों नहीं होगा, जब तक शिष्य अपने गुरु को पादुका सिद्धि मांगता नहीं उस मंत्र को या उसको देने का नहीं, तो उसने कहा कि प्रभु उसको उसका ज्ञान ही नहीं है तो कैसे मांगेगा, फिर आपको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब समय आएगा मैं उसको जरूर प्रदान करूंगा, लेकिन यह बात एकलव्य तक गई और एकलव्य आकर द्रोणाचार्य के चरण में गिरकर कहा कि मुझे आपके पादुकाएं ही दे दो जो आपके परम गुरु ने कहा है, दत्तात्रेय भगवान ने कहा है, और उन्हें पादुकाएं दी। आज इतिहास प्रसिद्ध है एकलव्य ऐसा शिष्य कि जिसने अपनी गुरु दक्षिणा में अपना सर्वस्व अपने गुरु को प्रदान कर दिया था, यह गुरु पादुकाओं का है। जहाँ गुरु पादुकाओं का पूजन नहीं होते हुए हम गुरु का शरीर पूजन करते हैं वहाँ पूर्ण सिद्धि नहीं प्राप्त होती, जो गुरु पादुका सिद्धि दिवस के दिन गुरु पादुकाओं को अपने घर में स्थापन करता है उसकी पूजा करता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और एक जगह इस बारे में कहा जाता है
कि भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा भी शिष्य थे, कृष्ण भी शिष्य थे, बलराम भी शिष्य थे, एक ही गुरु के पास एक तीनों भी पढ़े, लेकिन क्यों श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ हुए और सुदामा को एकदम दरिद्रता अनुभव करनी पड़ी? क्या कारण था? सुदामा कृष्ण को बहुत चाहते थे, कृष्ण को सखा के रूप में बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कुछ कारणों सुदामा को अपना गुरु का आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। उस छोड़कर जाते समय सुदामा ने अपने गुरु को नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ, उसने कृष्ण से कहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आश्रम जा रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई विशेष कार्य आया है, घर में किसी का देहांत हो गया है और मुझे जाना ही पड़ेगा। वो बिना गुरु को कहे कृष्ण को कहकर चले गए। कृष्ण बार बार कहते थे कि कृष्ण गुरु के चरण में नमस्कार करके जा कि तू ये बात कह दे मैं जा रहा हूँ, और सुदामा वैसे ही कृष्ण को कहकर चले गए कि मैं जा रहा हूँ और चले गए। कहते हैं इसका आपने पूर्ण संसार में देखा कि कृष्ण जितने ऐश्वर्यवान हुए, मैंने कल हमारे कल की पूजा में मैं सभी को बता रहा था क्यों गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए, क्यों गुरु को बिना दक्षिणा दिए कुछ नहीं लेना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि गुरु को बिना कहे या गुरु की बिना आज्ञा लिए या गुरु को बिना दक्षिणा लिए कौन सी भी विद्या लेते हैं तो अपरिष्कृत रह जाती है, यानी उसका फल नहीं मिलता। उसका फल इसलिए नहीं मिलता कि कृष्ण भगवान कहते हैं दक्षिणा का अर्थ होता है दक्षिण दिशा में मृत्यु आने से बचने के लिए, कोई भी मृत्यु से बचने के लिए दक्षिण दिशा में यमधर्मराज रहते हैं उसके लिए, और महालक्ष्मी ने कहा है कि मैं उसको ही फल प्रदान करूंगी जो अब जिसके पास विद्या लेता है उसको दक्षिणा देता है। आज हम लेबर हो किसी को भी हर एक पितृ को दर्पण के माध्यम से किसी की प्रॉब्लम से दक्षिणा नाम की चीज देने के बाद वह पूर्णत्व प्राप्त, चाहे तुम उसमें फूल पत्ती दे दो, चाहे उसमें तुम एक फल दे दो, लेकिन गुरु कहते हैं कि गुरु के पास, छोटे बच्चे के पास और देवता के पास कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। जो इन तीनों के पास खाली हाथ जाता है वो उसकी जीवन में खाली हाथ ही लौटता है। किसी देवता मंदिर में जाते समय, किसी छोटे बच्चे को जो जन्मा हुआ उसको देखते समय, और गुरु के पास जाते समय कभी हाथ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पुष्प फल फूल या कुछ ले जानी चाहिए। यही बात भगवान श्री कृष्ण अपने पास कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने गुरु को कहा कि पूर्ण विद्या हो गई बेटा अब तुम मथुरा चले जाओ, तो कृष्ण कहते हैं कि प्रभु मैं ऐसे कैसे जाऊँ, आपने विद्या दी है उस विद्या के लिए मैं गुरुदक्षिणा देकर जाना चाहता हूँ, आप जो गुरुदक्षिणा कहेंगे बिना गुरुदक्षिणा दिए मैं यहाँ से नहीं जाता। उनके गुरु तृप्ति से कहते हैं कि हे कृष्ण तेरे जैसा महान देवता जो साक्षात विष्णु स्वरूप है उसने अगर मेरे पास विद्या अभ्यास किया है इससे बड़ी गुरुदक्षिणा क्या हो सकती है, आज मेरा नाम मेरा सर गर्व के साथ ऊंचा हो रहा है कि तूने मेरे पास विद्या अभ्यास किया है। कृष्ण फिर भी कहते हैं प्रभु कुछ भी हुआ मैं आपके सामने सर झुकाने वाला नहीं। और माइक जनरेटर